ये है राधे माँ, इन्हें कौन नहीं जानता। अपने को माँ दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे माँ थाने में बैठी हैं, दिल्ली के विवेक विहार थाने में, वो भी दरोगा साहब की कुर्सी पर। दरोगा साहब वर्दी पर चुनरी डाले हाथ जोड़कर खड़े हैं। राधे माँ जो पधारी हैं, इनका थाना धन्य हो गया, लेकिन एसएचओ के कुर्सी की मर्यादा खंडित हो गई। चलो यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस कुर्सी पर बैठकर भी इनकी मर्यादा तार तार होती रही है। आज राधे माँ को बैठा दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, थाने के अन्य सिपाही भी अपना हाथ जोड़े खड़े हैं। इन्हें भी आशा है कि शायद कोई आशीर्वाद मिल जाए, ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाए और यह सच्चो की कुर्सी इनके पिछवाड़े में सट जाए। इनकी मनोकामना पूरी हो न हो, लेकिन इस खबर से यह सच्चो साहब का मन जरूर खट्टा हो जाएगा। कहीं कोई अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, लेकिन विश्वास है माँ रक्षा करेगी। विश्वास तो राम रहीम पर भी था, लेकिन आज वे 20 साल के लिए अंदर हैं। राधे माँ भी विवादों के घेरे में रह चुकी हैं। अपने किसी खास भक्त को बीवी से तलाक लेने की सलाह भी दे चुकी हैं। बाकायदा बवाल भी हो चुका है, और तो और संतों के एक संगठन ने इन्हें फर्जी गुरुओं की लिस्ट में शामिल भी कर लिया है। फिर भी आस्था तो आस्था है, फिर थाने के या सच्चो साहब हो या फिर कोई आम आदमी, आस्था पर अंगुली कैसे उठाई जा सकती है। नमस्कार।